हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने देखा था सी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सी को क्यों अभी भी इतना पॉपुलरली माना जाता है। आज हम देखेंगे सी टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होता है? इन सी प्रोग्राम ईच वर्ड एंड पंचुएशन इज नोन एज टोकन। सी प्रोग्राम में जो भी हम वर्ड लिखते हैं या फिर पंचुएशन लिखते हैं उसको टोकन बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है। सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? आपसे क्वेश्चन कोई पूछे सी में तो आप बताइए, टोकन्स। ओके, सो सी प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज टोकन। द कंपाइलर ब्रेक्स अ प्रोग्राम इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स एंड प्रोसीड्स टू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द कंपाइलेशन विच इज कॉल्ड नथिंग बट टोकन। ओके, सी प्रोग्राम में जो भी हम प्रोग्राम फुल लिखते हैं, जैसे एक एडिशन का ही प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। सी में जो भी ए और बी का वैल्यू है वो असाइन करते हैं, जैसे ए टू, बी के जगह पर थ्री, तो सी में क्या आएगा, फाइव। ओके, सो ये क्या है, इस प्रोग्राम को जितना भी स्मॉलेस्ट पार्ट में अगर हम उसको ब्रेक करते हैं और जो कंपाइल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टोकन्स। C supports six types of tokens. आपसे अगर कोई पूछे C में कितने types के token होते हैं तो आप बताइए, six types के। Name क्या क्या है? Identifiers, keywords, constants, strings, operators, special symbols. ये सब मैं discuss करूंगी आगे। Identifiers क्या होते हैं, keywords किसको बोलते हैं, constants क्या होता है, strings क्या होता है, ये ऑपरेटर, ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब हम जो यूज करते हैं, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, कैसे सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स क्या है, जैसे आप देखते हैं मेल ईमेल में आपको कुछ कुछ बोलता है कि स्पेशल सिंबल्स यूज कीजिए, जैसे एस्ट्रिक, ओके, एट द रेट सिंबल, ये सब यूज कीजिए, पासवर्ड के लिए कुछ स्पेशल सिंबल रखिए। सो ये सिक्स टाइप का टोकन्स होता है। सो आप सिक्स टाइप्स का नेम ध्यान में रखिए, क्या क्या होते हैं वो, कॉन्स्टेंट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, फिर ऑपरेटर्स। ओके, सो आइडेंटिफायर्स किसको बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू डिफरेंट एंटिटीज सच एज कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। ओके, ये कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, ये सब क्या है, इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी ब्रीफली आगे के वीडियो में। अभी तब तक आप ये जानिए, आइडेंटिफायर्स क्या है, डिफरेंट एंटिटीज को ये नेम दिया गया है आइडेंटिफायर्स, और वो एंटिटीज क्या है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस। ओके, वेरिएबल्स जैसे हम कोई भी मेमोरी एलोकेट करके ए बी सी वैल्यू उसका नेम देते हैं। ओके, फंक्शंस क्या है, जो भी हम काम करवाते हैं उसके लिए एक फंक्शन कोड लिखते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल में एक इंट, इंट क्या है, इंट इंटीजर टाइप, ये जो अमाउंट मैं लिखी वो इंटीजर टाइप है। ये क्या है, डबल, डबल टाइप में क्या लिखते हैं, कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू, जैसे 3.5, 3.57, 4.01, ये सब क्या है, पॉइंट के बाद अगर कुछ वैल्यू है तो उसको फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो ये सब को क्या डिनोट करते हैं, डबल। और इंटीजर क्या है, जैसे 1, 2, 151, उसके पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। ओके, तो वो इंटीजर वैल्यू है। सो ये वेरिएबल नेम क्या है, अमाउंट, यहाँ वेरिएबल नेम क्या है, टोटल बैलेंस। ओके, सो इन द अबव एग्जांपल अमाउंट एंड टोटल बैलेंस आर आइडेंटिफायर्स। ये क्या है, आइडेंटिफायर, हम इसको क्या चीज से आइडेंट, जैसे आपका आइडेंटिटी क्या होता है, आपका नेम, या फिर स्कूल में है तो रोल नंबर। ओके, तो ऐसे ही इसका आइडेंटिफायर क्या है, अमाउंट, इसका आइडेंटिफायर क्या है, टोटल बैलेंस। ओके, एंड इंट एंड डबल आर कीवर्ड्स। ये कीवर्ड कितने टाइप का होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगी, जैसे एक कीवर्ड इंट है, इंटीजर टाइप कीवर्ड। ओके, दूसरा क्या है, डबल, डबल टाइप कीवर्ड, और भी होते हैं कैड वर्ड, कैरेक्टर के लिए यूज होता है। ओके,
सो मैं आगे के क्लास में डिस्कस करूंगी जितने भी कीवर्ड्स है सबके बारे में. सो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स. जो भी आइडेंटिफायर हम लिखते हैं उसको लिखने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं. ओके, ऐसे ही आप आइडेंटिफायर कुछ भी नहीं लिख सकते, उसका कुछ रूल है. तो रूल नंबर वन क्या है, एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ए टू जेड, ए बी सी डी, ओके डॉट डॉट जेड तक, कैपिटल में और स्मॉल में. सो कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड और 0 to 9 डिजिट, ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, दैट इज लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर सिंबल. ये अंडरस्कोर सिंबल को भी आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर लिखने में. ओके, सो फर्स्ट रूल क्या है, एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड एंड 0 to 9. और क्या एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर सिंबल. आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बी यूनिक, यूनिक होना है. जैसे आपका रोल नंबर ही होता है वो फुल क्लास में आपका यूनिक होता है. ऐसा नहीं है कि आपका भी रोल नंबर 32 है और आपके बाद जो एक स्टूडेंट है उसका भी रोल नंबर 32 है. सो ऐसे ही आइडेंटिफायर को भी यूनिक रखना होता है. द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर. ये आपको याद रखना है कि जब भी आप एक आइडेंटिफायर का नेम लिखे तो फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे आप अगर नेम लिख रहे हैं उसका अल्फा, सो अल्फा में फर्स्ट नेम जो होना है ए, वो या तो अल्फाबेट या फिर आप इस नेम से भी रख सकते हैं अंडरस्कोर अल्फा. ओके, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं नेमिंग के लिए. यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर्स. कीवर्ड क्या है, पहले से ही सी प्रोग्रामिंग में वो सेट है. जैसे इंट वर्ड, आईएनटी फॉर इंटीजर सेट है, कैर वर्ड फॉर कैरेक्टर वो ऑलरेडी सेट है. तो आप इंट नेम का आइडेंटिफायर नहीं बना सकते. कैर वर्ड का कैरेक्टर के लिए यूज है इसलिए आप कैर वर्ड का आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते. ओके, सो यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड as identifiers. Only the first 31 characters are significant. सिर्फ 31 characters ही significant है, उसे ज्यादा आप नहीं लिख सकते. ओके, इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस. मीन्स जो भी आइडेंटिफायर आप लिख रहे हैं, जैसे मैं अगर आइडेंटिफायर नेम लिख रही हूँ अंडर स्कोर लवली स्पेस कुमारी, तो यहाँ स्पेस वो नहीं कंसिडर करेगा. आप अंडर स्कोर यूज करके अंडरस्कोर लवली अंडरस्कोर कुमारी मैं लिख सकती हूँ. ओके, बट बीच में वाइट स्पेस वो कंसिडर नहीं करता है आइडेंटिफायर. सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नेम को, आइडेंटिफायर को लिखने के लिए क्या क्या रूल है. तो ये रूल सब आप माइंड में रख लीजिए. सेवेंथ रूल क्या है, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव वर्ड क्या है, जैसे आप स्मॉल में लिख रहे हैं कोई डिजिट, स्मॉल में सॉरी कैप्स लिख रहे हैं ए बी सी डी ए टू जेड, या फिर कैपिटल यूज कर रहे हैं वो उसमें स्टोर होता है. अगर आप लवली में कैपिटल एल यूज किए हैं तो अगली बार आपको उसको सर्च करने के लिए स्मॉल अगर लिखते हैं तो वो आपको नहीं आएगा, कैपिटल में ही लिखना होगा. सो आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. सो आप ये सब रूल याद कर लीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल.